हेलो एवरीवन, नमस्कार। परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन मिश्रा। बात फिर से मैं शुरू करता हूं आपसे इंडियन पॉलिटी की, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत वहीं, अभी पिछले लेक्चर जहां पर हमने एंड किया था, आज हम फिर से बात करेंगे। मैंने आपको उसमें बताया था कि हम आज जो अगली आपकी कड़ी होगी इसमें शुरुआत करेंगे संविधान सभा के बारे में, किन किन विषयों पर हमें बात करना है, कहां से सवाल पूछे गए हैं, वो सारी चीजें। और दोस्तों, जिन टॉपिक्स पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई दुविधा है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरी चीज शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपके खासा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पॉइंट्स को कवर करके चल रहा हूं। दूसरी चीज, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसकी पूरी पीडीएफ नोट्स मैं वहां पर लगा दिया करूंगा, ताकि आपको वो सारी नोट्स कंप्लीट मिलती रहे। और सबसे बाद में जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरी नोट्स आपको एक पीडीएफ के माध्यम से संकलित करके दे दी जाएगी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, आप बोलते हैं जिसको संविधान सभा। संविधान सभा हम जानते हैं, यह हमारी वो सभा है जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी कैसे, सीटों की संख्या, किन किन विषयों पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चुनाव कब हुआ, जब चुनाव हुआ देश में अपने अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन दो बार हुआ है, दोनों से सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं बात करूंगा। चुनाव के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया क्या रही, ठीक है, सीटों की संख्या क्या रही, इसके विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सीटें रही, सीटों का आधार क्या रहा, ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट डिस्कस होगा, मताधिकार आपका किस अनुसार चला, क्योंकि सवाल इसमें पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। मतलब इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कैबिनेट इंटरिम जो है गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जब फॉर्मेशन हो जाएगा संविधान सभा का, ठीक है, तो सीटों की संख्या सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे इलेक्शन की कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हुए, फिर बात करेंगे रिजल्ट की, जब रिजल्ट आया उसके बाद आगे क्या प्रोसेस बने, कौन कौन सी चीजें, मतलब किनको कितनी सीटें दी गई, उनका रिजल्ट क्या रहा। फिर इसी में हम बात करेंगे जो है, एक और पॉइंट आता है कि जैसे मैंने बताया अंतरिम सरकार दो बार गठित हुई, क्या रीजंस रहे, इन सब का बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी कार्यवाहियां क्या रही, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कार्यवाहियां, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। कार्यवाहियों में क्या क्या चीजें हुई, उन सभी के बारे में, क्या सम्मेलन हुए, कितने बैठकें हुई, कितने वाचन चले, उन सारे बारे में हमें बात करनी है। तो आप एक बार फुल्ली फोकस होकर हमारे साथ जुड़े, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपके क्लियर होते रहें। और दूसरी चीज, कमेंट के माध्यम से आप अपनी चीजें जरूर बताएं कि आपको समझ में कहां पर आ रहा है, कहां पर डाउट्स हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं संविधान सभा के बारे में। चुनाव कैसे हुए, इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें रही संविधान सभा में। सबसे पहला अगर पॉइंट इसमें देखें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, जुलाई से अगस्त में चुनाव हुआ था इसका, जुलाई से अगस्त 1946 की बात है जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, ठीक है, 1946 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जाहिर सी बात है इसमें सीटें आई थी। 1935 के बारे में भी हम बात करेंगे कि 1935 में जो भारत जो है शासन अधिनियम आया था इसमें भी कई इनपुट रखे गए थे। उससे पहले बात कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही 1935 का आधार क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा में जो निर्वाचन की प्रणाली थी कि निर्वाचन की प्रणाली कैसी होगी, इसका सबसे पहले जिक्र किसके द्वारा किया गया, फिक्स किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा फिक्स किया गया था। तो सबसे पहले चीज आप ये जानते हैं, देश का संचालन वायसराय के हाथ में ही था। इसमें सबसे पहला जो मामला था आपका विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, ये मंत्रालय मिला था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दूसरी अगर हम बात करें, इसके बाद रक्षा मंत्रालय, इसका दायित्व सौंपा गया था बलदेव सिंह को।
तीसरी अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अंतरिम कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो अन्य आपके मंत्रालय रहे, गृह सूचना के बारे में अगर हम बात करें, आज आपका जैसे है गृह विभाग, गृह सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग, ये मंत्रालय सौंपा गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये चार मंत्रालय आपके खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको हमेशा दिमाग में बनाए रखना है। बहुत सारे और ऐसे मंत्रालय हैं, वाणिज्य मंत्रालय है, अगर इसी में बात करें वित्त मंत्रालय की, तो वित्त मंत्रालय सौंपा गया था सबसे पहले जो अंतरिम सरकार बनी जॉन मथाई को सौंपा गया था। जॉन मथाई, ये सवाल पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें श्रम मंत्री के बारे में भी एक बार सवाल पूछा गया है, तो श्रम मंत्रालय उस समय जगजीवन राम को दिया गया था, जगजीवन राम। तो इनसे सवाल पूछा था, इसलिए मैंने इतने मंत्रालय के बारे में आपसे डिस्कशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, हालांकि अभी बहुत सारे मंत्रालय हैं, लेकिन उनके बारे में पूछा नहीं, इसलिए मैं सीधा आगे अब बढ़ता हूं कि अगली जो फॉर्मेशन हुई इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें कौन कौन सा मंत्रालय मुस्लिम लीग के भी सदस्यों को शामिल करके उनको भी दिया गया। तो अब मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर इसके। जब मुस्लिम लीग शामिल हुई, मुस्लिम लीग से सवाल यह पूछता है कि मुस्लिम लीग सरकार में शामिल कब हुई, तो वो डेट थी आपकी 26 अक्टूबर 1946। डेट है आपकी 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग कब किसमें शामिल हुई, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। पहले तो इसने बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई, यह डेट आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इससे सवाल पूछा है। अब सरकार ये शामिल हुई, दोबारा एक बार क्या हुआ, फिर से अंतरिम सरकार का, एक तरीके से आप बोल सकते हैं अनंतिम सरकार, ठीक है, उसका गठन होता है। तो अनंतिम सरकार का गठन एक बार फिर से देखते हैं, जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट फिर से बनाई गई, फॉर्मेशन हुआ। इंटरिम जो गवर्नमेंट इस बार बनी, इसमें कौन सा मंत्रालय किसको किसको दिया गया, एक बार हम उनकी बात फिर से करते हैं। और इसका जो पुनर्गठन किया गया था यह 26, ठीक है, डेट यही है। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ, तो यह पुनर्गठन होता है 26 अक्टूबर 1946 को ही। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, उनको फिर से अंतरिम सरकार में किसको किसको एक तरीके से मंत्री बनाया गया था, तो एक बार उनको फिर देख लेते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जब दोबारा 26 अक्टूबर 1946 को बनी, 26 अक्टूबर 1946 को गठित, पुनर्गठित लिख सकते हैं, गठित अंतरिम सरकार। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें रही, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें उपसभापति, ठीक है, जो सभा के आपके उपसभापति थे, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल मामले, ये सब सौंपे गए थे किसको, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित नेहरू को ये सौंपे गए थे सारे मामले। रक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास रहा, बलदेव सिंह के पास ही, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास रहा। जो कृषि संबंधित मंत्रालय था, ये फिर से पंडित जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फिर से वापस आ गया, राजेंद्र प्रसाद। और जो गृह मंत्रालय था, एक तरीके से गृह सूचना एवं जो है इससे संबंधित मंत्रालय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही हाथ में रहा, वल्लभ भाई पटेल। कुछ देख लेते हैं कि किन में बदलाव हुआ था, तो उसमें अगर आप देखें तो वाणिज्य मंत्रालय इब्राहिम खान को दिया गया था, वाणिज्य यानी व्यापार एक तरीके से, वाणिज्य मंत्रालय इब्राहिम खान को सौंपा गया। कुछ और इसके मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिनको भी इसमें शामिल किया गया था, और वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को दिया गया था,
जो वित्त मंत्रालय इससे पहले दूसरे को दिया गया था, मैंने बताया आपको वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को दिया गया था, लियाकत अली खान। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, कारखाना खान एवं विद्युत मंत्रालय जो दिया गया था, कारखाना खान एवं विद्युत मंत्रालय, यह मंत्रालय किसको सौंपा गया, अब्दुल निस्तार को सौंपा गया था, अब्दुल निस्तार को सौंपा गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनमें जो है मंत्रालय सारे चेंज हुए थे। श्रम मंत्रालय जो था ये जगजीवन राम को अब भी मिला था, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं था। जो श्रम मंत्रालय था आपका, श्रम मंत्रालय का कोई बदलाव नहीं हुआ था, ये जगजीवन राम को पहले भी मिला था और जगजीवन राम को अब भी मिला था, ठीक है। कुछ ही बदले थे और तमाम है, लेकिन जहां जहां से सवाल पूछे गए हैं मैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। यहां से डायरेक्ट सवाल लाए हैं और डायरेक्ट सवाल आने की संभावना है, तो इन सारी चीजों को, बाकी जो मंत्रालय है वो मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आप नोट्स के माध्यम से उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संविधान सभा में सीटों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। इसके बारे में एक बार बात करते हैं, सीटें कैसे कैसे थी, इलेक्शंस के बाद उन पर रिजल्ट पर कौन कौन कितना जीत कराया, ठीक है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहां से भी सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं संविधान सभा के सीटों की संख्या, ठीक है, संविधान सभा के सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, ठीक है, इसमें, ठीक है, संविधान सभा के सीटों की संख्या की अगर हम बात करें, मैंने बता दिया निर्वाचन का आधार जो होना था ये कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसने जो सुझाव दिया था उसी के आधार पर हुआ था। सुझाव क्या दिया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करना वाला होना चाहिए, जैसे आज एमएलए आपके होते हैं इस तरीके से कि 10 लाख की जनसंख्या तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक व्यक्ति करता है। यही चीज 1946 के कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर शामिल हुई थी, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा जब बनी, जब मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल थी, उस दौरान सीटों की संख्या रखी गई थी 389, ये टोटल नंबर ऑफ सीट थी। अब कुल सीटें इतनी थी, आप जानते हैं देसी रियासतें उस समय थी, स्वतंत्रता से पूर्व इस समय अगर हम देखें, जिस समय यह सीटों का विभाजन हो रहा था, इस समय देसी रियासतों की संख्या भारत में 600 थी, देसी रियासतों की संख्या भारत में 600 थी। विभाजन के बाद आप जानते हैं कई ऐसे प्रांत रहे, कई ऐसी देसी रियासतें रहे जो पाकिस्तान में शामिल हुई, तो जाहिर सी बात है जब देसी रियासतें पाकिस्तान में जाएंगी और कई ऐसे प्रांत हम पाकिस्तान को देंगे तो वहां से जो प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो भी तो पाकिस्तान में गए थे, इसलिए सीटों की संख्या, जब विभाजन होता है हमारा तो विभाजन के बाद सीटों की संख्या घट जाती है। अभी हम बात करते हैं विभाजन से पूर्व जब संविधान सभा के सीटों की संख्या कितनी थी, 389 थी। इसमें किसको किसको कितनी सीटें दी गई थी उनको भी देख लेते हैं, 292 जो सीटें थी, ठीक है, 292 सीटें ये दी गई थी ब्रिटिश भारत, यानी जहां तक ब्रिटिश का आधिपत्य था भारत पर उनको दी गई थी, ब्रिटिश भारत के लिए ये 292 सीटों का निर्वाचन होना था, ठीक है। इनका चुनाव कहां से होना था, आप जानते हैं 11 प्रांत उस समय थे, 11 प्रांतों से इनका निर्वाचन होके आना था, ठीक है, इनका चुनाव 11 प्रांतों से होना था। दूसरी चीज हम बात करते हैं 93 सीटें किसको दी गई थी, ये देसी रियासतों को दी गई थी, 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। देसी रियासतों का चुनाव कैसे होना था भाई, 600 देसी रियासतें थी उनमें से 93 ही दी गई, तो देसी रियासतों के लिए जो सीटें निकाली गई वो 93 थी। इनके चुनाव का आधार था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आज आपके होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक पर, वैसे ही ऐसा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनका जो है चुनाव होना था, यानी पारस्परिक सामंजस्य बना लें, समझ बना लें कि भाई चार जो है 10 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है, एक कोई राजा पहुंच गया वहां पर कि हां इस सीट से एक बंदा आया। तीसरी चीज बात करते हैं, चार सीटें जो रखी गई थी,
चार सीटें, ये चार सीटें रखी गई थी जो ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत थे, यानी कमिश्नरी जो थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आयुक्त जो थे उनके लिए ये चार सीटें रखी गई थी ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत से, ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत से। अब ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत कौन कौन से हैं चार, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश आयुक्त के उस समय प्रांत कौन कौन से थे। तो इसमें दिल्ली था आपका, ये कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो कुर्ग था, कुर्ग यानी आज का क्या कर्नाटक, ठीक है। ब्रिटिश बलूचिस्तान था, आज बलूचिस्तान कहा जाता है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और चौथा जो इसमें शामिल था वो शामिल था आपका उत्तर सीमांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश। ये चार कमिश्नरी ब्रिटिश के ऐसे कमिश्नरी थे जहां से जो है, सॉरी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश नहीं, उस समय इसमें जो शामिल हुआ था, यानी पहला तो दिल्ली था, दूसरा जो है कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक था, ये पूछा गया है ध्यान रखिएगा, और तीसरा जो था ब्रिटिश बलूचिस्तान था, चौथा मारवाड़, आज क्या बोलते हैं मारवाड़, उस समय मारवाड़ कहा जाता था, ये कहां अजमेर में है, ठीक है। तो मारवाड़ यानी आज का आधुनिक मारवाड़, ये चार आपके ऐसे प्रांत हैं जहां से सीधा सीधा ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत से सीटें आनी थी। तो 200, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कि ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें चुन के आई, तो 292 प्लस 4 296, 93 सीटें किसके लिए थी, देसी रियासतों के लिए। अब इतनी सीटों का कंट्रीब्यूशन हो गया, डिवाइडेशन हुआ, तो दूसरी बात एक सवाल आपसे पूछता है कि मताधिकार कैसा चला भाई। देखिए मताधिकार के बारे में सबसे पहले बात कब हुई थी, 1935 की, 1935 की, 1935 में जो इंडियन गवर्नेंस एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें मताधिकार किसमें, कर शिक्षा एवं संपत्ति थी, कर शिक्षा एवं संपत्ति थी, इसी को अप्लाई कर दिया गया इस पर भी, यानी इसमें भी जो मताधिकार का एक तरीके से पावर थी वो ऐसे व्यक्ति थे जो टैक्स देते थे, या ऐसे व्यक्ति थे जो एजुकेशन में काफी आगे थे, ठीक है, और या ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास संपत्ति ज्यादा थी। और यह किसमें सुझाया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में, इसी मताधिकार का प्रयोग संविधान सभा के सीटों की संख्या जो डिवाइड की गई थी इनके निर्वाचन के लिए। दूसरी चीज एक सवाल यहां पर और पूछता है कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, तो जैसे आज प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो निर्वाचन मंडल बैठता है, इलेक्ट्रोल जो है होता है, एक पूरा सिस्टम बैठता है, तो इसमें निर्वाचक मंडल कौन एक तरीके से कार्य कर रहा था, तो निर्वाचक मंडल के तौर पर जो कार्य करने वाले लोग थे, यानी ऐसी सभाएं बनी थी निर्वाचक जो मंडल के तौर पर कार्य कर रहे थे, ये उस समय 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव हुआ था, मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है। तो उस समय जो विधानसभाएं बनी थी, इन विधानसभाओं का कार्य था निर्वाचक मंडल के तौर पर कार्य करना, ठीक है। तो जो विधानसभाएं प्रांतों में बनी थी, उन प्रांत जो है विधानसभाओं का कार्य था कि वो निर्वाचक मंडल के तौर पर कार्य करें। मताधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर था। सीटों का डिवाइडेशन इस तरीके से था, 296 सीटें ब्रिटिश भारत को एक तरीके से दर्शाती थी, 93 सीटें देसी रियासतों को दिखाती थी। इनका चुनाव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी पारस्परिक जो है सामंजस्य के द्वारा होना था। अब मैं बात करूंगा आपसे इसके आगे थोड़ा सा, अगर इसी में एक चीज आप और ये भी देख लें कि धर्म के आधार पर जैसे 296 ये जो सीटें हैं, 292 प्लस 4 जो है 296 सीटें, अगर हम बात कर लें कि धर्म के आधार पर किसको कितना कितना प्रतिनिधित्व मिला, एक सवाल इससे भी एक बार पूछा है पीसीएस में आपके, तो उस चीज को भी देख लेते हैं कि धर्म के आधार पर किसको कितना कितना सीटें दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि धर्म के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें तो धर्म आएगा नहीं देसी रियासतों में, धर्म सिर्फ 292 प्लस 4 296 सीटों पर आना है, तो धर्म के आधार पर सीटों का वर्गीकरण अगर हम देखें, सीटों का वितरण, ठीक है, तो इसमें जो सामान्य था एक तरीके से अनरिजर्व जिसको आप बोलते हैं, यूएन, ठीक है, इसकी सीटें थी 213,
सामान्य के लिए जो नंबर ऑफ सीट थी ये 213 थी, मुस्लिम के लिए जो सीटें थी, ठीक है, मुस्लिम के लिए सीटें थी आपकी 79 और 4 सीटें रखी गई थी किसके लिए, सिखों के लिए, ठीक है, ये 4 सीटें रखी गई थी सिखों के लिए, तो इनका जब आप टोटल सम करेंगे तो 296 आएगा। ये धर्म के आधार से, अब सामान्य में ही आपको ध्यान होगा, ठीक, गांधी जी का पूना पैक्ट जब दलित और कांग्रेस के बीच में ये क्या हुआ था समझौता, उसके बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, तो इसीलिए सामान्य की ही सीटों में दलितों का भी निर्वाचन होना था, बस इनका स्थान आरक्षित था, यह ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, ये तो हमारे सीटों की संख्या हो गई, तमाम चीजें जितने भी सवाल इनसे संबंधित पूछे गए हैं उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब मैं शुरुआत करता हूं आपसे रिजल्ट के बारे में, ठीक है, कि सीटों जब 289 सीटों पर इलेक्शन होता है तो रिजल्ट क्या होते हैं संविधान सभा के, तो एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखिए ये सब सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं इसलिए आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, अगर आपको पॉलिटी या इंडियन जो है पॉलिटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपका तार्किक रूप से उस पर दिमाग भी कार्य करेगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि संविधान सभा जब आपकी हो गई सारी चीजें तो 296 सीटों पर रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं परिणाम की, परिणाम, परिणाम सबसे पहले यह रहा, आप जानते हो जब सब नवाब तो नवाबों की आपस में पढ़नी नहीं थी, जो 600 देसी रियासतें थी, सबसे पहला सवाल यहीं से उठाया जाता है, 600 देसी रियासतें जो आपकी बनी थी इन देसी रियासतों के लिए सीटों की संख्या कितनी रखी गई थी, 93 ये सीटें ही नहीं भर पाई, 296 पर इलेक्शन होके उसका रिजल्ट आ गया, ये 93 सीटें नहीं भर पाई, तो सबसे पहला सवाल उठाया जाता है कि किसकी सीटें नहीं भर पाई, तो देसी रियासतों की सीटें नहीं भर पाई, देसी रियासतों की सीटें 93 जो सीटें थी ये भर नहीं पाई। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं इसमें 296 सीटों के रिजल्ट की, 296 जो सीटें थी इनमें रिजल्ट किसको किसको कितना मिला, तो पहली बात कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस को नंबर ऑफ जो सीट मिली ये 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई, ठीक है, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत के आई, और बाकी जो बची थी सीटें एक तरीके से 15 सीटों पर जो है छोटे छोटे हर एक प्रांतों में जो है प्रत्याशी उभर कर आए, ठीक है, प्रांतों से छोटी पार्टियां हम कह सकते हैं छोटी पार्टियां जीत जो है जीत कर उभरी, इसमें बहुत सारी थी, कृषक पार्टी, ठीक है, यूनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब तमाम तरीके की ऐसी पार्टी थी, गैर जो है कांग्रेस सिख एक पार्टी थी उससे भी थे, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रांतियां, कुछ निर्दलीय भी इसमें जीत कर आए थे, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज का पूरा जो है प्रतिनिधित्व किया था। 296 सीटों पर जब रिजल्ट आया तो यह देखने को मिला। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आपका और इसमें बसता है, वो पॉइंट है कि चुनाव की ये जो प्रक्रिया हुई ये प्रक्रिया क्या रही, ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया वही रही जो आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज किया जाता है, सिंगल रेफरेंडम मेथड, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति, चुनाव की प्रक्रिया से सवाल पूछा है तो चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति रही, ठीक है, ये आज भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि जैसे 15 सीटें छोटे छोटे, 8 सीटें ऐसी थी जिन पर जो है किसका चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जीते थे, 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार जीतकर आए थे, यानी जिनका कोई अपना दल नहीं था। और चीज इसमें देख लें और थोड़ा डिटेल अगर देखें तो इसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो किया था, एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज भारतीय एक तरीके से, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाले थे फ्रैंक एंथनी थे। और वही चीज अगर देखें पारसी समुदाय का, ठीक है, पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो यह किया था आपके पीएच मोदी, पीएच
मोदी ने पारसी समुदाय का जो है इसे पूछा है एक बार, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया कि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में किसने किया, तो पीएस मोदी ने, और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो फ्रैंक एंथनी ने किया। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले एक और डेट, क्योंकि वायसराय इस समय इसका जो है क्या था, मुखिया था, सभा का अध्यक्ष एक तरीके से वायसराय था। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पढ़े, ठीक है, जब अंतिम सरकार बनी मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद तो उनको उपसभापति का दर्जा मिला था, सभापति नहीं, ठीक है, वो सारी पावर वायसराय के हाथ में थी। उसके बाद एक डेट आई थी जब वायसराय, जैसे राष्ट्रपति आज संसद का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तो सारे सांसदों को बुलाता है, ठीक है, बाकायदा वो लिखकर भेजता है कि इस डेट में प्रथम मीटिंग स्टार्ट है, उस मीटिंग में आप उपलब्ध हों, ठीक है, वहां पर मतलब पहुंचे हैं, अपनी जो है पहुंच सुनिश्चित करें। तो वही चीज यहां पर एक और आई थी, बात थी उस दौरान 20 नवंबर 1946 की। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने सभा के सभी सदस्यों को, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक तरीके से लेटर भेजा, सभी के लिए एक निर्देश जारी किया कि संविधान सभा में चुने गए जितने भी व्यक्ति हैं, ये 20 किस दिन, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सारे लोग हाजिर हों, ठीक है। वो डेट कब थी, 20 आपकी नवंबर 1946 की डेट है, जब वायसराय ने सभी सदस्यों को एक तरीके से आवाहन किया, आवाहित किया कि आप सारे लोग 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में पहुंचे। अब हम बात करने जा रहे हैं टोटली प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैठक की, ठीक है, संविधान सभा की बैठकें। अब आपका अगला पॉइंट, यहां से भी सवाल पूछे गए हैं, हर बार लगभग पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है, संविधान सभा की बैठकें। सबसे पहला पॉइंट इसमें प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक की अगर हम बात करें डेट 9 दिसंबर 1946, जगह नई दिल्ली, स्थान कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ठीक है, यह जगह थी, डेट 9 दिसंबर 1946 की थी। अब कार्य क्या किया संविधान सभा ने, सबसे पहले दिन कार्य क्या किया, तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो बना है, यह संविधान हमने तमाम लगभग 60 देशों के संविधान को जाना, समझा, वो संविधान की बखूबी को जान करके फिर अपने देश के संविधान में उसको शामिल किया। और भारत में ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट ही वहां से लिया है, भारत में जिन जिन देशों से हमने वहां की संविधान की कड़ियों को अपने यहां शामिल किया है, तो अपने यहां और उसको बहुत व्यापक तौर पर हमने लागू किया है, ठीक है, यानी दूरदर्शिता संविधान के बनने में स्पष्ट रूप से झलकती है। यहां पर हम बात करें पहली बैठक की कार्य, तो सबसे पहले हमने देखा कि फ्रांस जब अपना संविधान बना रहा था, फ्रांस देश, तो उसने क्या किया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उसका एक अध्यक्ष होना चाहिए संविधान सभा का, तो उसने एक अस्थायी अध्यक्ष चुना था, किसको, सभा के सबसे जो वरिष्ठ एक तरीके से व्यक्ति था उसको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना था। तो सबसे पहले दिन जो संविधान सभा में कार्य हुआ, ठीक है, वो कार्य यह हुआ कि संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किस दिन, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दिन। दूसरी एक सवाल इसमें और पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इस दिन हिस्सा लेने वाले सदस्यों की संख्या थी 211, इसको दिमाग में रखें, 211 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी बैठक की, दूसरी बैठक आपके लिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि दूसरी बैठक में आखिर संविधान सभा ने क्या कार्य किए। फिर से वही चीज, दूसरी बैठक
डेट 13 दिसंबर, सन 1946, जगह नई दिल्ली, प्लेस कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ठीक है, वही स्थान वही जगह, दिनांक बदल गया, 11 दिसंबर है, ठीक है, 13 को तीसरी बैठक थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। कार्य क्या हुए? आज के कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहे, इसलिए इनसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, संविधान सभा का हमने अस्थाई अध्यक्ष चुना, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। दूसरी चीज, और इनसे कौन से ऐसे पहलू रहे जो दूसरी बैठक में और किए गए थे? तो इसमें आपको ध्यान होगा कि आपके एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए थे, और संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? वी एन राव संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ये वही वी एन राव हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान बना के पेश किया था, वी एन राव, और उसी संविधान जो इन्होंने प्रथम बार जो है बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पेश किया, उसी पर बहस के लिए, उसी के अनुसार संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है। वी एन राव संवैधानिक सलाहकार चुने गए। तीसरी बात, इसमें दो उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, इसके संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष, एक तो आपके थे एच सी मुखर्जी, और दूसरे जो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष चुने उपाध्यक्ष चुने गए थे, इनका नाम था, ऊपर लिख दे रहा हूं, बी टी कृष्णामाचारी। ये दो उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरी बैठक में बहुत सारे कार्य हुए। सबसे पहली बात, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष मिला। दूसरी बात, एक संवैधानिक सलाहकार वी एन राव मिले। तीसरी बात, संविधान सभा के लिए दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पहला तो नाम थी एस सी मुखर्जी, और दूसरा जो नाम था वो बी टी कृष्णा मचारी का था। तो वी एन राव ने ही, यानी इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव, वी एन राव का पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने ही सबसे पहले जो है संविधान भारत देश का कैसा होना चाहिए उस पर वर्किंग शुरू की, ठीक है, काम शुरू किया। काम शुरू होने के बाद एक इन्होंने ड्राफ्ट बनाया संविधान का, उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के समक्ष रखा, फिर संविधान सभा को लगा कि हाँ भाई हमारा संविधान ऐसा बनना चाहिए, उसने उस संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए या उसके अनुरूप संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। हम उन सभी चीजों पर धीरे धीरे बात करेंगे। अब हमें बात करनी है तीसरी बैठक की, संविधान सभा की तीसरी बैठक। सवाल इससे भी पूछे गए हैं तीसरी बैठक से भी, क्यों? क्योंकि आज जब संविधान आप शुरू करते हैं और संविधान ओपन करते हैं, तो सबसे पहले पढ़ना होता है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक। तो तीसरी जब आपकी बैठक हुई संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है, ये हुई थी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946, जगह वही, प्लेस वही, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। क्या हुआ तीसरी बैठक में? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। इंग्लिश में इसको बोला गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसको जब ये लेकर आए, यानी हमारे संविधान बनाने का आधार क्या होना चाहिए, संविधान में हम किन चीजों पर शामिल करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, ठीक है। एक सवाल यहां से पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू कब लेकर आए? 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए। दूसरा सवाल यहां से पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन जो है संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया? तो उद्देश्य, अब चूंकि ये दिसंबर की बात है, ठीक है, इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा
यानी अंगीकृत किया गया था और फिर बाद में ये धीरे धीरे जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना गया। इसमें इन्होंने तमाम बातें लिखी थी कि हमारे संविधान में हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, इसीलिए इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो आपने पढ़ा कि संविधान सभा की सारी बैठकों के बारे में 9+2+2 यानी 9+2 11 और 11+2 13, इसको ऐसे दिमाग में बना लीजिए कि 9+2 11 होता है, 11+2 आपका 13 होता। मतलब एक ट्रिक के तौर पर अगर याद करना चाहें कि संविधान सभा की बैठकें, तो पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक इसमें दो जोड़ दीजिए 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक में फिर दो इसमें जोड़ दीजिए 13 दिसंबर 1946। इसको ऐसे दिमाग में बनाए रखें कि ये फर्स्ट मीटिंग है, ये सेकेंड मीटिंग है, ये थर्ड मीटिंग है। तीन बैठकें हुई, तीनों बैठकें इस तरीके से थी। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बना सकते हैं कि 9+2 11 और 11+2 13। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में, बात हो गया। अब संविधान सभा के अध्यक्ष आ गए तो जाहिर सी बात है अब संविधान सभा कार्य करना प्रारंभ करेगी। यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं, बात हो गई है 22 जनवरी 1947 की, विभाजन के करीब पहुंच रहे हैं। 14 जून 1947 की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन होता है। विभाजन के पहले भी तमाम ऐसी चीज हुई है। इसमें क्या हुआ था कि जब मुस्लिम लीग प्रथम बैठक में एक तरीके से शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, तो वहां जो ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, क्लेमेंट एटली, इन्होंने यह घोषणा की थी कि 1948 से पहले, जून 1948 से पहले अंग्रेज भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, यह बात हुई थी कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, लेकिन हमें आजादी 1947 में ही मिल गई थी। तो इसी चीज को देखते हुए, ठीक है, तीन, फिर आपको ध्यान होगा इसके बाद उस समय माउंटबेटन हमारे यहां वायसराय थे, 3 जून 1947 की बात है, ठीक है, 3 जून 1947 को बेटन योजना भारत आई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसको बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसको भी पूछता है कि जो है बेटन योजना भारत कब आई, तो 3 जून 1947 की बात है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आई, बेटन योजना, ठीक है, ये वायसराय था ही, ये आई भारत में। इसमें विभाजन की बात कही गई थी बेटन योजना में। फिर क्या हुआ, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली में एक बैठक हुई थी, 14 जून 1947 की बात है, कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होती है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं। दिल्ली में बैठक हुई किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया और किसने समर्थन किया है, दोनों सवाल आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था, वो पेश करने वाले थे आपके सरदार गोविंद बल्लभ पंत। सरदार गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, गोविंद वल्लभ पंत, ये पूछा है सवाल, इसलिए दिमाग में बनाए रखें, ठीक है। दूसरी चीज इसमें पूछता है कि इस विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम ने जो है, मौलाना अबुल कलाम ने इसका समर्थन किया था, मौलाना अबुल कलाम ने इसका समर्थन किया विभाजन का, तो कांग्रेस की बैठक में। तो यह बैठक हुई थी 14 जून 1947 को। अब उसके बाद 4 जुलाई 1947 की बात है, 4 जुलाई 1947 को ये जो बिल था विभाजन वाला बिल, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को यह बिल किसमें पेश हुआ, ब्रिटेन की संसद में पेश हुआ, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश होता है। उसके बाद 18 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में स्वीकृत हो जाता है, यह भी सवाल पूछा है। 18 जुलाई 1947 की ब्रिटेन की संसद में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है मान लिया जाता है। और उसके बाद 14 अगस्त
1947 की मध्य रात को हमारा विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त 1947 की वो डेट है जब भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, तो हम लोग अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 15 अगस्त को और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 मध्य रात पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच आपके दिमाग में याद आ रही होगी, रेडियो पर उन्होंने स्पीच दी थी कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब समस्त विश्व सो रहा होगा तो उस समय भारत अपनी आजादी को की एक नई किरण की ओर बढ़ रहा होगा। ठीक है, बहुत लंबा उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण रेडियो पर पब्लिश किया गया था कि भारत की आजादी मिल चुकी है। तो वो आपकी घटना थी 14 अगस्त 1947। अब विभाजन हो चुका है तो विभाजन के बाद फिर भारत में संविधान सभा की सीटों के बारे में डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की सीटों के बारे में विभाजन के बाद।